मंच पर उपस्थित श्रद्धेय संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, हम लोग यहाँ दो दिवसीय सत्संग के प्रथम दिन के प्रथम सत्र में उपस्थित हैं। मैं कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं। सदगुरु कबीर देव ने कहा कि शकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ी के हंस गमन चलिया। अभी आप लोग विभिन्न संतों के द्वारा विभिन्न पक्षों को लेकर के विचार सुन रहे थे। इसी क्रम में मैं भी कुछ निवेदन आप लोगों के बीच करूं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को मिटाने के लिए, जड़ता को समाप्त करने के लिए केवल एक रास्ता है जिसके द्वारा आदमी अपने जीवन को पवित्र बना सकता है, जहां जाकर के आदमी जीवन जीने की कला सीख सकता है। वो जगह सत्संग है, वो जगह सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ है, जहां जाकर के आदमी सहज ही अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रेयान द्रव्य मया दज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे अर्जुन, श्रेयान कहा कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कोई यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। पहले लोग पुरा काल में द्रव्य यज्ञ करते थे, द्रव्य यज्ञ में जो तिल डाल करके लोग हवन करते थे। वो यज्ञ करने से आदमी का जीवन पवित्र नहीं हो सकता है। कहा श्रेयान द्रव्य मया दज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ से बढ़ करके कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। आज हम लोग उसी ज्ञान यज्ञ में आए हैं। सत्संग सद्ज्ञान यज्ञ है जहां आकर के आदमी के जीवन में ज्ञान उतरता है, जहां आकर के आदमी का जीवन पवित्र हो जाता है। अगर आपके जीवन में ज्ञान उतर जाए तो सहज ही आपका जीवन पवित्र हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमी विद्यते। इस संसार में, इस धरातल पर पवित्र करने वाले साधनों में ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। ज्ञान के द्वारा आदमी का बाह्य और आंतरिक जीवन पवित्र हो जाता है। आज मनुष्य के जीवन में इतनी जड़ता है, आज मनुष्य के जीवन में इतनी विषमता है, उसके मूल में कारण यही है कि आदमी आज अज्ञानी होता चला जा रहा है। आज आदमी की बुद्धि जड़ होती चली जा रही है, जिसका परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। कहा सत्संग में जाओगे तो सत्संग में मिलेगा क्या? कहा तुम्हारे जीवन से दुर्मति चला जाएगा, अच्छी मति आपको आ जाएगी। आज सही मति के अभाव में सर्वत्र आदमी जीवन भटक रहा है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जीवन बनाओ। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दुर्मति को खत्म करना होगा। और वो दुर्मति खत्म कहाँ से होगा? आज आदमी के जीवन में इतनी दुर्मति है, इतनी बुराई है, जिसके कारण आदमी का जीवन नर्क होता चला जा रहा है। भर्तृहरि हरि ने एक पद्य उद्धृत किया। भर्तृहरि हरि ने कहा कि जाढ्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दीशति पापमपाप करोति चेतः प्रसादयति दिक्षुम तनोति कृतिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। पुंसाम मनुष्यानाम कृते कहो, सत्संगति कौन ऐसा लाभ नहीं करता है? इसका सबसे पहले आदमी के अंदर जो जड़ता है, आदमी के अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को हरने का काम सत्संग करता है, महापुरुषों का साहचर्य करता है। इसलिए तो कहा कि औषध कहा गया सत्संगों को, महापुरुषों के साहचर्य को शास्त्रों में औषध कहा गया।
सबसे बड़ा औषधि अगर इस दुनिया में कोई है, आपको रोग लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं औषधि लेने के लिए, लेकिन ये जो मानसिक रोग आदमी को आज लग गया है उसकी औषधि कहाँ मिलती है? तो उसकी औषधि संतों के पास मिलती है, इन महापुरुषों के पास मिलती है। अगर अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, अगर आपके भीतर में जो अज्ञानता है, आपके भीतर में जो जड़ता है, उस जड़ता को अगर आप मिटाना चाहते हैं, उस अज्ञानता को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, उस दुर्बोध को अगर आप मिटाना सुबोध बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सत्संग ही औषधि है, जिसका पान करने से आदमी की जड़ता सहज समाप्त हो जाती है। आज आदमी की बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए तो आदमी तमाम अनैतिक कर्म कर रहा है। अच्छा एक विचार करिए कि आदमी की बुद्धि जड़ होती कैसे है? आदमी की बुद्धि जड़ होती है कि गलत चिंतन वचन करने वाले व्यक्ति के साहचर्य में पड़ने से आदमी की बुद्धि जड़ हो जाती है। गलत चिंतन वचन आचरण करने वाले व्यक्ति के साहचर्य में आदमी जब पड़ता है तो आदमी की बुद्धि जड़ हो जाती है। गीता में कहा गया कि संगात संग जायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। का आदमी के विनाश का कारण क्या है? का आदमी के विनाश का कारण है कि बुद्धि का नाश। आज आदमी के पास विवेकवती बुद्धि नहीं है, निर्णय करने वाली शक्ति नहीं है। उसके मूल में कारण यही है कि कहीं न कहीं आदमी दुसंग में गया, कहीं न कहीं आदमी कुसंग में गया, कहीं न कहीं आदमी गलत चिंतन वचन करने वाले आचरण करने वाले व्यक्ति के संसर्ग में गया। तो भर्तृहरि हरि ने कहा कि जाढ्यम धियो हरति धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धिगत जो जड़ता है। बुद्धि के संस्कृत शब्दकोश में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उसमें कई शब्द हैं। तो जाढ्यम धियो हरते, धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धिगत जो जड़ता है, बुद्धिगत जो मंदता है, उस जड़ता और मंदता को हरने का काम सत्संग करता है। सिंचति वाची सत्यम, वाणी में सत्य का सृजन करता है। जैसा को तैसा कहने की शक्ति सामर्थ्य सत्संग में जाने के बाद आदमी को आ जाता है। सत्यम मानोन्नतिम दीशति पाप मपाप करो, पापी से पापी व्यक्ति को भी अपाप कर देता है। कहो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, मनुष्यानाम कृते सत्संगति किम न करोति। मनुष्य के जीवन में सत्संग क्या नहीं करता है? बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कुछ गुरुदेव जी का पदार्पण हो चुका है, अब सभी बैठ जाए, ठीक से शांतिपूर्वक बैठ जाए। इसी तरह से बोलिए सद्गुरुदेव की। दो मिनट में मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन में अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो दुसंग सर्वथा त्याज्यम। कुसंग में आदमी जब पड़ता है तो सबसे पहले आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। आज बड़े सौभाग्य से हम लोगों को सत्संग का अवसर मिला है। इस सत्संग में आकर के अपने जीवन में ज्ञान को उतार लें, जिससे आपका जीवन पवित्र हो जाए। जब आपके भीतर में श्रद्धा होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा युक्त व्यक्ति ज्ञान का लाभ करता है। गीता कहती है कि तद्विद्धि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
ते तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ज्ञानं ज्ञानम् का तत्वदर्शी पुरुष ज्ञान का उपदेश करता है किसको का जब व्यक्ति जिज्ञासु होता है जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है तो सहज ही गुरु उसके जीवन में ज्ञान को उतार देता है और उस ज्ञान के आलोक में अपनी जड़ता को समाप्त करके सहज ही उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है। अगर आप अपने जीवन की जड़ता को मिटाना चाहते हैं तो महापुरुषों से उपदेश लेकर के उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें श्रद्धा पूर्वक समर्पित हो करके तो शायद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, शायद ये सत्संग आपके लिए औषधि साबित हो जाए। अगर सत्संग को औषधि बनाना चाहते हैं तो आप श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों की बातों को सुने। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की।